तो मैं कहूँगा अब शादी हो चुकी है, चलिए अब जो नहीं होना था सोचे नहीं थे, कुछ भी हो गया, जब समझ नहीं थी, दीनदारी नहीं थी, अब क्या करें। तो शौहर अपनी बीवी की अच्छे से बैठकर इस्लाह करें और बीवी अपने शौहर की अच्छे से बैठकर इस्लाह करें। और मैंने देखा है ख़ास तौर से औरतों के ताल्लुक से, जब औरत तब्दील हो जाती है ना माशाल्लाह, वो पूरे घर को तब्दील कर देती है, वो बहुत बड़ा तब्दील चेंज लाती है। क्यों? तो वो बात करने की और जो अल्लाह ने उनको मिजाज दिया ना, उस मिजाज का फ़ायदा उठाती है। जैसे एक औरत अपने अपना अकीदे की इस्लाह कर ली, अपने बच्चों की कर लेती है, तो वालिद खुद ब खुद निहत्ता हो जाता है, अरे मेरे बच्चे तो माँ की ही सुनते, मेरी बात भी नहीं सुनते, है ना। कि तो बच्चे बाप के बनिस्बत माँ के अकीदे पे होते, मेरी बात लिख के रखी है। बच्चे बाप जैसे नहीं होते, माँ जैसे होते। क्यों? तो उनसे पैदा होते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, इसीलिए आप देखेंगे माँ का असर बच्चों पर ज़्यादा होता है बाप की बनिस्बत।